उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी समाज की तरफ से। ये एक ऐसी शख्सियत है जो न्यू गांधीनगर पुलिस जितना भी डेवलप हुआ है हाथों से हुआ है, तो मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज 75वां आपकी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत दिनों के बाद हमारे पास, हमारे बीच हमारे जाने माने MLA बेलगाम के श्री रमेश कुर्ची साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, 75 साल गुजर गए आज़ादी के, लेकिन मुसलमानों को आज तक आज़ादी नहीं मिली है। जो मुसलमानों ने मेहनत की है आज़ादी के लिए, वो पूरी तरह से मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिली है। हम किसी तलवार से या जंग से मोहब्बत नहीं जीत सकते। हमारा इस्लाम सिखाता है कि हर एक के साथ प्यार से रहेंगे, और हम प्यार से रहते आए हैं इस देश में, प्यार से रहेंगे और आगे रहने की कोशिश करेंगे, और प्यार से ही पूरे हिंदुस्तान वालों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज़ादी के इस 75 साल जो गुजर गए, जिस अमन शांति से इस देश रहता था, शायद ही ऐसा एक ही देश है डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर एक समाज के, एक धर्म के, एक भाषा के लोग नहीं रहे। लेकिन यही एक देश है जहाँ पर सब लोग बसते हैं। 75 साल में ऐसा कुछ नहीं, सभी भाईचारे से ले सकते थे, लेकिन आज के दिन में जो चल रहा है, जो हमारे इसमें जो फूट पड़ने की जो साजिश चल रही है, उसको नाकाम करने के लिए हम सभी इकट्ठा होना चाहिए। और यही कहते हुए मैं आज इस बेलगाम शहर वासियों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये आज़ादी 75 साल के, लेकिन आने वाले दिनों में इस आज़ादी को और मजबूत करने के लिए, और एजाज ने जैसा कहा कि आज उनके ऊपर जो न्याय अन्याय जो हो रहा है, उनको न्याय देने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। और ये है कि हम भी एक बार इस सियासत के एक नुमाइंदे बोल के काम किए, हम उस टाइम पे जो जो काम किए हैं, और जो अमन और शांति के लिए इस बेलगाम शहर में हमारे परेड में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और आज जो चल रहा है जिसको मजबूत करने के लिए, यही हम प्रार्थना आपके पास रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में हम सब इकट्ठा होके जो जो साजिश कर रहे हैं उनको निकालने के लिए हम सभी मिलके कोशिश करें तो ये हो जाएगा। शायद ऊपर वाला यही चाहता है कि उनके दिन भर गए हैं, आने वाले दिनों में अच्छे दिन हमारे भी आए। Oh,
जो जलसा मुलाकात किया गया है शमा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तमाम हाजरीन का और जितने भी साहिब कराम आई उनका साहब का तहे दिल से शुक्र गुजार है। सबसे पहले हमारे इत्तेहाद न्यूज़ वाले जो अपना वक्त कीमती वक्त निकाल कर मुसलमानों की आवाज़ बढ़ाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनका हम तहे दिल से शुक्र गुजार हैं। मैं शमा फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ जो बुलाकर हमें इज्जत बख्शी। हमारे इकबाल जगा के साथ अंदाज में दो बातें बताए। शुरू अल्लाह के नाम से जोड़ा मेहरबान निहायत रहमान है। मैं सबसे पहले शमा फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान अफराद मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये इज्जत बख्शी। वैसे भी मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आया था तो शमा फाउंडेशन की जानिब से जो कामों को अंजाम दिया था उसे वाकई में वो सराहनीय काम है, क्योंकि अब किसी हुकूमत किसी कायद किसी सरकारी इमदाद की मुल्क से इंतज़ार करके वगैरह अगर मोहल्ले वाले अगर इस काम को अंजाम देते हैं तो ये बहुत बड़ा काम है जो शमा फाउंडेशन ने किया है। और हमने दूसरी तरफ इसका तस्करा करते हुए कहा कि आप किसी सरकारी इमदाद पर भरोसा करके मुसीबतों से दो चार होने से बेहतर है कि हम अपनी जेब से ही कुछ पैसे लगाकर यहाँ पर कामों को खिदमात को अंजाम दें। आज जब मुझे यहाँ बुलाया गया वैसे तो कई सारे आज इजलास हैं, सभी जानते हैं कि 75 साल जो 75वीं वर्षगांठ जिसे अमृत महोत्सव के तौर पर भी मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी का, मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मुख्तसर यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अक्सर अकेली तबके के लोग हैं। आज के इस माहौल में आज के इस दौर में और ख़ासकर अगर 2014 के बाद हमने अगर देखा जाए जैसे कि जब भाजपा हुकूमत में आए वज़ीर आज़म यहाँ जब बने मोदी जिनकी तारीख रही है कि 2002 के फसादात उनके पीछे एक तवील अरसे तक वो कहानी है और उसी फसाद के मद्देनजर वो भी अब तक भी पहुँच चुके हैं। खैर मेरा कहने का ये मतलब है अकलियती तबके को लोगों को और खासकर मुसलमानों को जिस कदर निशाना बनाया जाता है हर जगह पर आज भी जिस तरह से घर घर तिरंगा की एक तहरीक छेड़ी गई वज़ीर आज़म की जानिब से भाजपा, अब वो लोग अब तिरंगे की फजीलत वो तिरंगे की अहमियत बताने पर तुले हुए हैं जिन्होंने कभी भी अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं लगाया। 15 अगस्त के बारे में चार बातें बोलना चाहता हूँ मैं। 75 इंडिपेंडेंस डे जो बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आज का माहौल आज के हालात देखने के बावजूद भी जो सितम हो रहा है जैसा कि हमारे इकबाल जकाती साहब ने कहा हाथ में भगवा और हाथ में तिरंगा और बगल में भगवा, इस तरह की कामें हो रही है। मिसाल तौर पे हमने 2-3 साल हो गया ये रोड का काम के लिए हमारे रनिंग MLA उसी तरह से हमारे साथ में काम किए जैसा कि हाथ में भगवा हाथ में तिरंगा और बगल में भगवा इसी तरह हमारे साथ काम किए हो। कितने बार जाने के बाद में नहीं आ जाता हूँ कल आता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ यही हमारे को आश्वासन देते रहे। मतलब क्या है हम देशभक्त हैं और हमारे को खाली तिरंगा दिखाते रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज क्या है 15 अगस्त आज क्या है 15 अगस्त 15 अगस्त मनाएंगे 15 अगस्त मनाएंगे 15 अगस्त मनाएंगे यौमे आजादी मुबारक हो यौमे आजादी मुबारक हो यौमे आजादी मुबारक हो सारे जहां से अच्छा बुलबुले है इसकी हम बुलबुले है इसकी मजहब नहीं सिखाता मजहब नहीं सिखाता हिंदी है हम वतन है हिंदी है हम वतन है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान की हर आवाम जिंदाबाद।
सबको दो अंदर। चॉकलेट चलिए This is very special in the okay, ma'am. This is 75th. Yeah. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, all. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज 15 अगस्त यूम आज़ादी का दिन है। आज हमने जो है हमारे ग्रुप ने गजाली की तरफ से जो है सभी हमारे भाइयों ने मिलकर के जो है अपनी मोहब्बत का एक पैगाम दिया है। कौम को हमने एक मैसेज दिया है कि सब हजरात जो है तिरंगा जो है लहराते हैं, उसको जो है लेकर घूमते हैं, लेकिन हमने तिरंगे को जो है अपने सर पर बांधा है, अपने सर का ताज बनाया है और ये हमारे सर का कफन है। और हमारे इस यौम आज़ादी में बहुत सारे उलमाए कराम ने, उलमाए हिंद ने जो है अपनी जानों को कुर्बान किया है, जब जाकर ये हमारा मुल्क जो है आज़ाद हुआ है। सब में पहले जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा लगाने वाले हमारे अलामा हक फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह है और हज़रत किफ़ायतुल्लाह काफ़ी, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ये सब में पहले मेज़ाइल मैन है और इन्होंने जो है हिंदुस्तान में सब में पहले मेज़ाइल बनाया और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया, इसमें इनका अहम किरदार है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा हिंदुस्तान अमन और शांति का पेकर बना रहे। इस मुल्क से जो है मेरे आका ने भी मोहब्बत की है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे हिंद से मेरे चाहने वालों की खुशबू आया करती है। तो हिंद से मुझे मेरे चाहने वालों की खुशबू आया करती है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुजद्दिदीन और उलमाए कराम ने जो है अपनी कुर्बानियाँ पेश की है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। बुढ़ाना है।